महाराज मंत्री, आप जंगल में जाओ और कुछ वहाँ पर शिकार का आनंद लीजिए। ठीक है मंत्री, ठीक चलते हैं और चलकर बहुत आनंद लेते हैं। हे दुष्टों, साधु संत महात्माओं को दुखी करने चले आए, जाता हूँ तुम्हारी मौत का सामान लेने। तुम दोनों को मैं भी शराब देता हूँ। पृथ्वी लोक में महाराज दशरथ के यहाँ श्री रामचंद्र का जन्म हो चुका है। हे ऋषिगण, तुम सामग्री तैयार रखो, मैं जाता हूँ दशरथ के दरबार में और उन्हें अपने राम लखन को साथ लेकर आता हूँ। ऋषि विश्वामित्र दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। ओहो, गुरु विश्वामित्र जी आए हैं और तुझी को आदर सहित दरबार में लेके आओ। श्री राधे चरणों में दशरथ का प्रणाम। कहो श्री राज, कैसे आना हुआ? हे राजन, यज्ञ जिस समय मैं करता हूँ दुख मुझको निश्चय देते हैं। पूजा पाठ हवन कुंड सामग्री सब नष्ट व्यर्थ कर देते हैं। यदि मैं उनसे युद्ध लड़ू तो धर्म कार्य मेरा खंडित होता है। धनवा देके ना लड़ू ये प्रण भी पक्का मेरा है। उन असरों के हत्याचारों से मैं व्याकुल और घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीज तुम्हारे से लेने आया हूँ। अपने वर वो दोनों बालक है, भोले भाले ना ताल मेरे, नन विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान मेरे। देव क्या तो में सैम ये राज पाठ संपत्ति से था, ये सब देना उस बार मुझे। आप क्या हो तो गुरुवार मैं चलूं, इसमें कुछ इनकार नहीं। ये दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी मोह माया ममता है, जा चुकी जवानी क्यों माया में प्रवृत्त है? उपकार संत का करने में ये क्यों है
भी आसन मांगता सहायता शंकर से, कौन जाता उनका भी कैलाश पर्वत मांगी जो मैंने, दुख मुझे भी हुआ और दुख तुम्हें भी हुआ, एक पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा चलता हूँ। हेरी मुनिराज, मैं राजन को समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे राजन, ये गुरुदेव ज्ञानी ऋषि है, इनके साथ राम लक्ष्मण को भेजने में कोई संकोच ना करें। ठीक है गुरुदेव, अब मैं कुछ सोच नहीं सकता। दो दो पुत्रों के हुए सब पुत्र हुए तुम। हे मंत्री जी, राम और लक्ष्मण को पुला के लाइए। लोकनाथ में हाथ इनका, दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा तुमको याद रहे, इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं। हे राजन, आप निश्चिंत रहे, जिस तरह मैं दोनों पुत्रों को ले जा रहा हूँ उसी प्रकार राजी खुशी छोड़ के जाऊंगा। नमस्कार गुरुदेव, मुझे पिता प्रणाम, जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलिए नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी हस्ती है, जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहती है। इसका क्या वरदान है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था, उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान पाया और उसके घर में तारका नाम की एक स्त्री का जन्म हुआ। कन्या के योग हो जाने के सुकेतु यक्ष के उसका विवाह जम्बासु के से कर दिया गया और कालाकर में उस मारीच नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त्य मुनि ने सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे प्रसन्न कर दिया। इस पर यह दुष्ट तारका अपने पुत्र मारीच सहित मुनि को मारने दौड़ी। तभी मुनि ने शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी समय से यह पापनी अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है। पहले उसे एक और बस बस जय
I'm
मेरा मेरा क्या बकता है या कुछ